तुम हार के बैठे हो, तुम हार के बैठे हो। सुनना एक बार ध्यान से, मन लगाकर सुनना, मुझे देखो मुझे। तुझे ये नहीं बोल रहा हूँ कि तू हार, तुझे ये बोल रहा हूँ तू कर सकता है, तू करेगा। उठ के तो देख कितना मजा है लड़ने में। आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। हर हार जीतेंगे। वेलकम ऑन देसी फुटबॉल बॉय फॉर डेली इंडियन फुटबॉल न्यूज। तो गाइस डेली की तरह आज भी इस वीडियो में इंडियन फुटबॉल रिलेटेड न्यूज एंड टॉपिक्स कवर करेंगे, लेकिन उसके पहले आज जो सेकंड सेमीफाइनल होने वाला है सुपर कप का, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड वर्सेज उड़ीसा एफसी, अगर देखा जाए तो दोनों ही टीम के लिए काफी इंपॉर्टेंट मैच होगा। अगर हम बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के साइड से, तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने अपना फर्स्ट मैच हारा था ग्रुप स्टेज में अगेंस्ट चेन्नई एफसी, लेकिन उन्होंने जो बाकी के दो मैच थे अगेंस्ट चर्चिल ब्रदर्स और मुंबई सिटी एफसी के खिलाफ काफी अच्छा गेम खेला और सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई हो गए। लेकिन जिस तरीके से नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने चर्चिल ब्रदर्स के अगेंस्ट परफॉर्मेंस दिखाया, उन्होंने गोल स्कोर किए 6 और जिस तरीके से उनकी स्कोर लाइन थी, ओडिशा एफसी के लिए काफी मुश्किल हो सकती है। लेकिन अगर दूसरी साइड हम देखें ओडिशा एफसी के खिलाफ, तो ओडिशा एफसी ने भी अपना फर्स्ट मैच ग्रुप स्टेज में ड्रॉ किया था अगेंस्ट ईस्ट बंगाल, और उनका जो नेक्स्ट मैच दो मैच थे आइजोल एफसी वर्सेस हैदराबाद एफसी, उन दोनों में उन्होंने जीत दर्ज कराई और जो उनके टॉप स्कोरर है डियोगो मॉरिसियो, उनको रोकना काफी मुश्किल है। उन्होंने हर एक मैच में गोल स्कोर किया और नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के लिए काफी मुश्किल बात होगी अगर नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने ओडिशा एफसी के स्ट्राइकर डियोगो मॉरिसियो को अगर रोक लिया, तो उनके लिए काफी अच्छी बात होगी और उनके चांसेस बढ़ जाते हैं फाइनल में क्वालिफाई करने के। तो ये था एक छोटा सा प्रीव्यू आज के सेमीफाइनल का। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट न्यूज की तरफ। तो हमारी फर्स्ट न्यूज आ रही है सुरेश वांगजाम को लेकर। सुरेश वांगजाम ने फिर से बेंगलुरु एफसी के साथ 5 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर लिया है। अगर हम उनके करंट कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो उनका करंट कॉन्ट्रैक्ट था 2024 तक, लेकिन बेंगलुरु एफसी ने उनके साथ फिर से 5 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर लिया है और अब उनका कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा बेंगलुरु एफसी के साथ 2029 तक, और उनकी जो अब 6 साल की सैलरी हो वो हो जाएगी 7 करोड़ की। अगर देखा जाए तो बेंगलुरु एफसी के लिए ये काफ़ी इफेक्टिव साइनिंग होगी, क्योंकि जिस तरीके का मिडफील्ड में डोमिनेशन दिखाते हैं सुरेश वांगजाम, ये काफ़ी अच्छी साइनिंग होगी बेंगलुरु एफसी के लिए, उनके फ्यूचर के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, और हमारी नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है जमशेदपुर एफसी की तरफ से। जमशेदपुर एफसी स्कॉट कूपर के साथ वर्बल एग्रीमेंट के साथ आगे बढ़ चुके हैं। अगर देखा जाए तो सिर्फ उनका पेपर वर्क पेंडिंग है और जो आने वाले नए कोच है जमशेदपुर एफसी के लिए वो कन्फर्म है कि स्कॉट कूपर ही होगी। अगर हम जमशेदपुर एफसी का सीजन 2022-23 देखें तो वो काफ़ी उनका बुरा रहा। उन्होंने मुंबई सिटी के अगेंस्ट एएफसी चैंपियंस क्वालिफायर्स भी बॉटल कर दिया और जो उनका सुपर कप का सेमीफाइनल था अगेंस्ट बेंगलुरु एफसी वो भी उन्होंने बॉटल कर दिया। होप कि स्कॉट कूपर आने वाले सीजन के लिए जमशेदपुर एफसी के लिए काफ़ी अच्छा रहा है। और हम बात करते हैं स्कॉट कूपर के करियर की, तो स्कॉट कूपर ने फिलीपींस और थाईलैंड जैसे कंट्री के लीग्स में कोचिंग करी। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। तो हमारे नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है आई लीग टीम के तरफ से। तो जो गोकुलम केरला के कोच है फ्रान बोनेट, उनका एएफसी क्वालिफायर का मैच इस सीजन का लास्ट मैच होगा और गोकुलम केरला उसके बाद उन्हें टर्मिनेट कर देगी इस सीजन के एंड में। तो सरप्राइजिंग बात ये होगी गोकुलम केरला अगला नेक्स्ट कोच किसे बनाती है, और कंफर्म बात यह है कि गोकुलम केरला अपना नेक्स्ट कोच एएफसी क्वालिफायर के मैच के बाद ही बनाएगी। तो ये न्यूज़ थी गोकुलम केरला के तरफ से। तो ये थी आज की हमारी इंडियन फुटबॉल के न्यूज एंड टॉपिक्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। ऐसे ही फॉलो करते रहो इंडियन फुटबॉल को और सपोर्ट करते रहो। जय हिंद जय भारत।